हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पिक्सल एक्सपीरियंस या AOSP एक्सटेंडेड रोम या फिर कोई दूसरा ओरियो 8.1 बेस्ड कस्टम रोम अपने मोटो G5S प्लस में फ्लैश करेंगे। मोटो ने बेवफाई की, हमें इंतज़ार कराता रहा बट अपडेट नहीं आया। फ्रेंड्स, बहुत से अपने आईफोन अनबॉक्स के मेंबर्स ने या सब्सक्राइबर्स कह लीजिए ने मुझसे कहा कि एक फुल गाइड बनाओ कि कैसे कस्टम रोम हम अपने मोटो G5S प्लस में फ्लैश करेंगे। गाइज, ये गाइड जो है सिर्फ मोटो G5S प्लस के लिए नहीं, बल्कि आप G5 प्लस या G5 में भी सेम गाइड को फॉलो करके कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान एंड यू वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। Like you, be strong to hold the powers of the sun. फ्रेंड्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हो। वैसे जो पेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने किसी भी मोटो डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो, उसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हो। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी कर रहे हो ये आपका चॉइस है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहले अपने पूरे डिवाइस का बैकअप ले लो, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो, अदर फाइल्स हो। गाइज, पहला स्टेप है बूट लोडर अनलॉक करने का। तो आपको इसके लिए चाहिए एक PC, लैपटॉप, जो भी। अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, मिनिमल ADB फास्ट बूट टूल पे। और गाइज, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। गाइज, इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, तो आपको ध्यान रखना ये फोल्डर कहाँ क्रिएट हो रहा है। और गाइज, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन का, यानी आपको उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, तो इस पे आप ज़रूर टिक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद डबल क्लिक कीजिए मिनिमल ADB आइकॉन पे एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। गाइज, अपने मोटो G5S प्लस को बूट लोडर मोड में अब ले जाना है। इसके लिए आपको अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करना है। गाइज, अब आपको अपने PC से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है। इसके लिए आप यूज़ कीजिए अपना ओरिजिनल केबल। एंड गाइज, आपका डिवाइस जो है प्रॉपरली आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। इसके लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप कीजिए फास्ट बूट डिवाइसेस। अगर नीचे आपको कुछ कोड्स दिखेंगे तो इसका मतलब है आपका डिवाइस प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। याद रखिए, कनेक्ट करते वक्त अगर कुछ ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हों तो आप उसको होल्ड लेने दीजिए। गाइज, अब ये लाइन फास्ट बूट OEM गेट अनलॉक डेटा कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए, और उसके बाद एंटर बटन पे हिट कीजिए। कुछ लाइंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद गाइज, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा मोटो बूट लोडर अनलॉक पेज, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और ये जो अनलॉक का पेज है मोटो का डिवाइसेस को अनलॉक करने का, ये जो ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, या अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप अपने गूगल अकाउंट यूज़ करके भी साइन इन कर सकते हैं। गाइस, साइन इन करने के बाद डेटा स्क्रब टूल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा, और फॉर्मेट माय डेटा, इस पे यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए वो सारे 4 या 5 लाइंस जो थे, और उसके बाद फॉर्मेट माय डेटा पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 2 लाइंस आपको मिलेंगे, इस कोड्स को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस उस पेज पे जाइए, और आई अग्री जो है नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई अग्री जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कैन माई डिवाइस बी अनलॉक्ड पे वो 2 लाइंस पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप उस पर हिट कीजिए कैन माई डिवाइस बी अनलॉक्ड। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे रिक्वेस्ट अनलॉक की का ऑप्शन अगर दिख रहा है, इसका मतलब आपका डिवाइस जो है अनलॉक हो सकता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ टॉप में एक मैसेज दिखेगा आपको, यू शुड हैव रिसीव्ड एन ईमेल विथ योर अनलॉक की। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली अपना अनलॉक की जनरेट
कर लिया है। अब तैयार है अपने बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट में अब हमें टाइप करना है फास्ट बूट OEM अनलॉक। और गाइस यहाँ जो आपको यूनिक की दिख रहा है ये वही कोड्स है जो अभी हमें मेल के द्वारा मिला है। तो आपको सिर्फ टाइप करना है फास्ट बूट OEM अनलॉक, उसके बाद स्पेस देना है और सेम कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद एंटर बटन को हिट करना है। लीजिए गाइज आपका बूट लोडर जो है सक्सेसफुली आपने अनलॉक कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, बूट लोडर सक्सेसफुली अनलॉक्ड करने के बाद गाइज अब हमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करना है। गाइज मैं यहाँ पे अपने मोटो जी 5S प्लस को बेस मान रहा हूँ और इसके फाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप मोटो जी 5 या फिर मोटो जी 5 प्लस को अनलॉक करना चाहते हैं या उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हैं तो बूट लोडर अनलॉक करने का सेम प्रोसेस होगा, बट कस्टम रिकवरी उसमें आपको अलग फ्लैश करना होगा। इवन ओरियो बेस्ड रॉम के लिए G5S प्लस में कोई भी रिकवरी से काम नहीं चलेगा, आपको 64-bit रिकवरी चाहिए। गाइज इस लिंक से आप अपने मोटो G5S प्लस के लिए जिसका कोड नेम है सैंडर्स टॉप रिकवरी .img फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसको कॉपी करके मिनिमल ADB एंड फास्टबूट फोल्डर पे पेस्ट कर दीजिए। गाइज अब हम कस्टम रिकवरी फ्लैश करने वाले हैं टॉप रिकवरी, और आपका फ़ोन जो है फास्टबूट मोड में यानी बूट लोडर मोड में होना चाहिए। और आप वापस से आप अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट कीजिए USB केबल के ज़रिए। ADB फोल्डर पे रिकवरी फाइल का नाम जो है रीनेम पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो नाम जो है उसे कॉपी कर लीजिए एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप कीजिए फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, स्पेस दीजिए और सेम जो आपने अभी कॉपी किया है उस नाम को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंड में .img ज़रूर लिखिए। अब आप जो है एंटर बटन पे हिट कीजिए। लीजिए गाइज आपने सक्सेसफुली अपने स्मार्टफोन में अपने मोटो जी 5S प्लस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर लिया है। अब लास्ट स्टेप, हाउ टू फ्लैश कस्टम रिकवरी। मैं यहाँ गाइज AOSP एक्सटेंडेड रॉम फ्लैश करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं वही रॉम यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स रॉम फ्लैश करने से पहले फॉर्मेट डेटा कर लेना एक अच्छा आइडिया है। अब बैकअप ले लेना चाहिए हमें अपने स्टॉक रॉम का ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम वापस से अपने फ़ोन को रिस्टोर कर सके। अब गाइज वाइप पे टैप करना है। वाइप पे टैप करने के बाद एडवांस्ड वाइप पे यहाँ आपको सिलेक्ट करना है डेलविक सिस्टम डेटा कैश। याद रखिए गलती से भी इंटरनल स्टोरेज एंड माइक्रो SD को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। गाइज चारों पार्टीशन सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू वाइप करना है। मैं यहाँ नहीं कर रहा ऐसा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना रॉम जो है वो सेटअप कर चुका हूँ। आपने जो रॉम डाउनलोड किया हुआ है उसके साथ जी एप्स और दूसरे फाइल इसको जिस फोल्डर में आपने रखा है उसको याद रखना। अब आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद उस फोल्डर पर जाना है। सबसे पहले रॉम जो आप फ्लैश करने वाले हो उस पर क्लिक कीजिए एंड सबसे पहले रॉम फ्लैश कीजिए। स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। रॉम फ्लैश करने के बाद अब आपको जी एप्स फ्लैश करना है। जी एप्स ARM 64-bit एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के लिए आपका चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मिनी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइस जी एप्स भी आपको वैसे ही फ्लैश करना है। सारे फाइल्स फ्लैश करने के बाद वापस से आप डेलविक एंड कैश फाइल को वाइप कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, कर लेना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप रिबूट टू सिस्टम कर सकते हो। लीजिए गाइज आपने सक्सेसफुली अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 8.1 बेस्ड कस्टम रॉम फ्लैश कर लिया है। अगर आप मोटो जी 5 या मोटो जी 5 प्लस या दूसरे मोटो डिवाइस में कस्टम रॉम फ्लैश करना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा फाइल करेक्ट है तो डोंट वरी, आपका दोस्त इमरान आपके साथ है, बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हो। गाइज मैं जो भी जानता हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड देखते रहिए iPhone Unbox।